सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम एपेक्स एजेंट मोबाइल को हमारे पीसी और हमारे लैपटॉप में चलाने वाले हैं। अब गाइस, यहां पर जो मैं आपको स्टेप्स बताने वाला हूं, वो अगर स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो गाइस आप भी एपेक्स एजेंट मोबाइल को अपने पीसी और लैपटॉप में चला सकते हो। बस गाइस, ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि गाइस ज़रा से आप वीडियो को मिस करोगे ना तो गाइस एपेक्स एजेंट मोबाइल आपके लैपटॉप और कंप्यूटर में नहीं चल पाएगा। तो गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब गाइस देखो, सबसे पहले आपको कोई ना कोई एक एमुलेटर डाउनलोड करना पड़ेगा। आप यहाँ पर आप ब्लूस्टैक भी यूज़ कर सकते हो, एलडी प्लेयर यूज़ कर सकते हो, जो आपको यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हो। पर गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं ब्लूस्टैक का यूज़ करने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले हम ब्लूस्टैक को डाउनलोड करना सीख लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको जाना है अपने कोई भी ब्राउजर पे और यहाँ पर आपको लिख देना है डाउनलोड ब्लूस्टैक, और आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट लिंक आ जाएगी। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको ब्लूस्टैक 5 को डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस, जैसे आप कोई भी एमुलेटर डाउनलोड कर सकते हो, एलडी प्लेयर भी कर सकते हो, नॉक्स प्लेयर भी कर सकते हो, ब्लूस्टैक भी कर सकते हो। उसके बाद गाइस, जब आपका ब्लूस्टैक डाउनलोड हो जाए तो उसको आप इंस्टॉल कर लेना, और इंस्टॉल करना गाइस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नॉर्मली आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना है और इंस्टॉल पर क्लिक कर देना, और गाइस ब्लूस्टैक आपका यहाँ इंस्टॉल हो जाएगा। अब गाइस, यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आप यहाँ पर कोई सा भी एमुलेटर क्यों ना यूज़ करो, सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो एमुलेटर 64-bit का होना चाहिए। जैसे कि गाइस आप जानते होंगे कि यहाँ पर दो वर्जन होते हैं, एक 32-bit होता है, एक 64-bit होता है। तो 32-bit पर गाइस यहाँ पर आपका एपेक्स एजेंट मोबाइल नहीं चलेगा, वो इंस्टॉल नहीं होगा। तो गाइस, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको 64-bit एंड्रॉइड एमुलेटर यूज़ करना है। तो ब्लूस्टैक के अंदर गाइस यहाँ पर हमें एक फीचर मिल जाता है जिसका नाम है गाइस मल्टी इंस्टेंस। यहाँ से हम 64-bit वाला ब्लूस्टैक बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप बना लेना और उसके बाद इसको आप स्टार्ट कर लेना। स्टार्ट करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको आप डाउनलोड करना पड़ेगा एपेक्स एजेंट मोबाइल को। अब एपेक्स एजेंट मोबाइल को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर दो वे होता है। पहला वे तो ये है कि गाइस आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। अब जैसा आपको पता है कि एपेक्स एजेंट मोबाइल हमारे इंडिया में रिलीज नहीं हुआ है, तो गाइस इसकी वजह से आप प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर पाओगे। तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा गाइस मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पर आपको तीन फाइल मिलेगी, एक मिलेगी गाइस आपको एपीके फाइल, दूसरी मिलेगी आपको ओबीबी फाइल, और तीसरी आपको मिलेगी पेज फाइल। तो गाइस, यहाँ तीनों आपको डाउनलोड कर लेना है। कुछ 2.5 GB करीब साइज है, तो आपको इतना डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद गाइस यहाँ पर आप फाइल मैनेजर ओपन कर लेना। अब यहाँ पर आप कोई भी फाइल मैनेजर ब्लूस्टैक के अंदर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैं MI का फाइल मैनेजर यूज़ कर रहा हूँ। अब गाइस यहाँ पर आपको तीनों फाइल मिल जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो APK उसको इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और APK इंस्टॉल हो जाएगी। APK इंस्टॉल करने के बाद गाइस आपको ये देखना है कि जो OBB फाइल है, जो कि गाइस आपको मैंने दी थी टेलीग्राम चैनल में, वहाँ पर आपको दो फाइल मिली होगी, एक OBB होगी और गाइस एक पेज होगी। तो गाइस इसको आपको मूव करना है, और मूव करने के लिए गाइस यहाँ पर आप डबल क्लिक कर लेना। उसके बाद गाइस आपको जाना है एंड्रॉइड पे, एंड्रॉइड के बाद गाइस आपको जाना है OBB पे, और OBB में गाइस यहाँ पर आपको EA गेम्स का एक फोल्डर मिल जाएगा जो कि एपेक्स एजेंट मोबाइल का ही है। इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है, और गाइस आपका यहाँ पर गेम पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। अब गाइस यहाँ पर अब गेम तो हमने इंस्टॉल कर लिया है, पर गाइस अभी ये गेम पूरी तरीके से नहीं चलेगा, क्योंकि गाइस हम इंडिया में बैठे और इंडिया में ये गेम अभी लॉन्च नहीं हुआ है। तो गाइस हमें करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें कोई VPN यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मैं VPN यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है गाइस QuickVPN। तो QuickVPN को यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ से आप QuickVPN को डाउनलोड कर लेना। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको इसको ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको दिखेगा सिंगापुर का नेटवर्क। तो सिंगापुर के नेटवर्क पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ से आपको एरो का एक साइन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और आपका यहाँ पर VPN पूरी तरीके से कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर आप गेम को स्टार्ट करना है, और गाइस यहाँ पर आपका गेम चल चुका है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर आपको सर्वर की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने VPN कनेक्ट कर रखा है। तो गाइस यहाँ पर हमारा पूरी तरीके से गेम इंस्टॉल हो चुका है हमारे लैपटॉप में, और एपेक्स एजेंट मोबाइल हमारे एमुलेटर के अंदर चल चुका है। तो गाइस ऐसे आप भी अपने कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर चला सकते हो, बट जो स्टेप्स मैंने फॉलो करे वो आपको भी फॉलो करना पड़ेंगे, और आपका भी गेम आराम से चल जाएगा। तो होपफुली गाइस यही आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत है या फिर कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हो, तो गाइस आप मुझे यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हो, या फिर गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हो, या मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम है, या DM करके जो पूछना चाहो पूछ सकते हो। बाकी गाइस मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत।